जमशेदपुर के गोविंदपुर रेल फाटक में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किए जाने के लिए क्षेत्र के जिला पार्षद डॉक्टर पारितोष सिंह के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बता दें कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 4 वर्ष पूर्व योजना बनी थी, जिसका DPR भी तैयार हो चुका है, लेकिन कार्य कागजों तक ही सीमित है, धरातल पर अब तक उतर नहीं पाया है। इसी के खिलाफ स्थानीय जिला पार्षद डॉक्टर पारितोष ने क्षेत्र के मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों के साथ मिलकर फाटक स्थान पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लाखों की संख्या में आबादी है, जो कि रोजाना इस रेल फाटक को पार कर आवागमन करती है। साथ ही ड्यूटी व स्कूल जाने वालों को यहां काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार यहां दुर्घटना भी हो चुकी है, लेकिन यहां प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है। सरकार की इस उदासीनता के खिलाफ चलाए जा रहे इस हस्ताक्षर अभियान में क्षेत्र की जनता का सहयोग मिल रहा है। इसे आगे उच्च स्तरीय पदाधिकारियों तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द हो सके और लोगों को इस जाम से मुक्ति मिल सके। तो बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, जैसे बच्चा लोग स्कूल टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, और बहुत कोई जो 6 बजे या सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, उसी टाइम ट्रेन आ जाता है और फटक बंद कर देता है, तो सबका ड्यूटी का भी एब्सेंट हो जाता है और बच्चे लोग पढ़ाई भी एब्सेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग की मांग की है, सारे लोग मिलकर हम लोग यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, ताकि इस समस्या को 22 तारीख को जो पैसेंजर सर्विस कमिटी रेलवे बोर्ड का दौरा है, उनको हम लोग इस मांग से अवगत कराएं। जो सबसे हम लोगों की मांग है कि यह रेलवे ओवरब्रिज का DPR बना हुआ है, और लेकिन पथ निर्माण विभाग का भी कुछ दिन पहले ग्राम सभा भी हुआ था 4 महीना पहले, लेकिन अभी तक उसमें फिर कुछ काम नहीं हुआ है अप्रोच रोड को लेकर। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का जो मांग है उस मांग पर विचार किया जाए, और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में जो भी त्रुटि है उसको दूर करते हुए अविलंब इसे निर्माण कार्य चालू किया जाए। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।